हेलो, हेलो, तुम तो मुझे भूल ही गए बिल्कुल। तुमने ही बाद में मुझे कॉल नहीं किया। हाँ, मेरी ही गलती निकालो। तो फिर कैसा है तुम्हारा फियांसे? पर शादी रुक गई। क्यों? वर्कआउट नहीं हुआ। आखिर बात क्या है? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, एक उम्र आने पर लड़का लड़की दोस्त नहीं रह सकते। हमारी लाइफ में भले ही कोई और आ जाए, पर उस दोस्त को भूल नहीं सकते। पसंद नहीं आया मुझे वो। अभी कहां पर हो तुम? ऑफिस में। मैं इंडिया आते ही फोन करूंगा। यहां से तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाय। चलो, एक मिनट। मैं लाइफ में फिर कभी यहाँ आऊँगा या नहीं पता नहीं, थोड़ी देर यहाँ रुक कर जाने का मन कर रहा है। आपके पास टाइम है? हाँ, बस 5 मिनट हम यहाँ बैठ के चलते हैं। चलो। इस दुनिया में ना ऊपर वाले की लीला बहुत अजीब होती है। कभी तो जलते हुए कोयले पर चल ना सको ऐसा दुख देता है, तब हम ऊपर वाले को दोष देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कमियां निकालते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन फिर बाद में हमें समझ में आता है कि ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा इसलिए किया था कि बड़ी परेशानियों को भी हम झेल सकें। मैं कुछ समझा नहीं। अभी भी फिल्मों में एक्टिंग करने की इच्छा है आपकी? बेशक, वो इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। मेरी अगली फिल्म में ना आपके लिए एक अच्छा रोल है। सच में? वैसे आपके लिए वो रोल बहुत ही इजी होगा। मतलब? क्योंकि उसमें आप अपना ही रोल निभाएंगे। खुल के बताओ ना। दरअसल मैं अपनी इस जर्नी पर वो फिल्म बनाने वाला हूँ। मोइन खान, अरशान, आप, मारिया और कुछ लोग इस कहानी के कैरेक्टर्स होंगे। वेरी गुड आइडिया। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, कभी ना कभी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए या फिर कम से कम प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्म बनाने की इच्छा से मैंने थोड़ा पैसा सेव किया है। तुम जो वो फिल्म बनाने वाले हो उसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? डन। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या।
मरिया तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है, तुम चलो मैं कार पार्क करके आता हूँ। ठीक है। हाय। I know you are mad at me. Please don't take that on heart. I just kind of said that in the heat of the moment. I shouldn't have said all that. It's okay, I can understand. It's hard to leave the city. I came here for my love of cinema. Yeah, that's... There is a lot of games here, you know. And I can see how passionate you are about movies. And I know that you have spent a lot more here for the movie what it actually cost. I talked to some international business lead and I think I will be able to make some money back. Oh, thank you. Yeah. And you've come this far for a movie at your age. You can do such bigger and better things. Yes. You are. Yeah. You are. Okay. All the best. Thank you. Okay? Okay. Bye. Bye. टेक केयर, बाय। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक्स। ये मोइन चाचा के लिए। हाँ। पहुंचते ही कॉल करना। हाँ बिल्कुल। ओके। टेक केयर। सेफ जर्नी। चलता हूँ। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। वैसे हमारी फिल्म का नाम नहीं बताया तुमने। मेरे मन में एक अच्छा सा नाम है। क्या नाम है? एंड द ऑस्कर गोज टू। एंड द ऑस्कर गोज टू। हाँ अच्छा है। आओ आओ, बहुत समय हो गया तुम्हारा इंतजार करते। आओ अंदर आओ। ये आपको देने के लिए प्रिंस ने भिजवाया चाचा जी। हाँ, उमर बेगम, उमर बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है उमर बेगम। इसने जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक थिएटर में जाके पहली बार तुम्हारी फिल्म देखी। रोज तुम्हारे बारे में बात करते हैं, जब टीवी में तुम दिखाई देते हो तो कितने खुश होते हैं। ये हैं अरशद के बच्चे, ये है शाइना और ये है शरीफ। तुमसे मिलने के लिए आज ये दोनों घर पर हैं। अरशद कहाँ है? सुहरा, सुहरा। ये दोनों करते क्या हैं? ये सिलाई सीख रही है और वो गांव में चाय की दुकान पर काम करता है। ये दोनों मेरी मदद करते हैं।
मोहिन चाचा, अरशद, हमारी फिल्म की तरह हैप्पी एंडिंग अरशद की जिंदगी में नहीं हुई। इतने सालों तक सऊदी की जेल में सजा काटने के बाद उसके शरीर और मन ने हार मान ली। सच में मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं अपनी मूवी को अच्छा क्लाइमेक्स देना चाहता था। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना प्लीज। क्यों दुखी हो रहे हो? फिल्म में कम से कम अरशद को ऐसे देखकर हम सबको बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। पर मेरी फिल्म में मैं अरशद की असली जिंदगी दिखाना चाहता था। तुमने फिल्म चाहे कितनी भी अच्छे से बनाई हो, फिल्म फिल्म होती है और जिंदगी जिंदगी। क्या हुआ है अरशद? क्या हुआ? तुम्हारी पिक्चर इसे बहुत पसंद आई कह रहा है।